वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईसीएमए पाकिस्तान का एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का I33 अर्निंग्स पर शेयर पे एक क्वेश्चन कर रहे हैं पास्ट एग्जाम विंटर 2019 से। इट इज क्वेश्चन नंबर 4 फाइन सीमेंट लिमिटेड और ये 17 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसकी तीन रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हमने बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है, फिर हमने रेलिवेंट वर्किंग से शो करना है कि कन्वर्टेबल लोन जो है वो डायल्यूटिव है, तो इसके लिए हम इंक्रीमेंटल ईपीएस कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली। और उसके बाद हमने कंप्यूट करनी है डायल्यूटेड ईपीएस। जो पहले दो पार्ट हमारे जब सॉल्व हो चुके होंगे तो तीसरा पार्ट सॉल्व करने में हमें 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो फाइन सीमेंट लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द कंपनी नीड्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कंटेम्पलेटेड टू ऑप्शंस टू रिजॉल्व द इशू ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैश रिसोर्सेज, ईदर टू ऑब्टेन बैंक लोन और मेक अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल। Since the gearing ratio of the company was already quite high, they opted for the later option, hence they offered right shares to the existing shareholder at the rate of 1 share for each 5. तो यहाँ तक तो जो पहला एक पैराग्राफ है वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जो कि कैलकुलेशन से रेलिवेंट नहीं है। Hence they offered right shares to the existing shareholder at the rate of 1 share for each 5 held by them for a price of ₹100 per share on October 1, 2018. On January 1, 2018, company had in issue the following shares and convertible loans, 100 million के equity shares और 8% convertible loans amounting to ₹50 million, जो 2020 में mature होंगे, और the loans may be redeemed at par or converted to equity shares at the rate of 10 shares per 50 of loan. Market value of each share on the last day before the right issue was 160. Earnings जो हैं वो साल की 2018 के 55 million है और एप्लीकेबल टैक्स रेट 29% है। तो ये हमारे क्वेश्चन के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है और हमने तीन पार्ट्स को सॉल्व करना है फॉर 17 मार्क्स। तो सबसे पहले हम बेसिक ईपीएस को जब देखते हैं तो हमारे पास 55 मिलियन का अर्निंग जो है वो ऑलरेडी गिवन है और शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसमें राइट इशू भी है, और राइट इशू है तो इसका मतलब है कि हमें थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें यह बताया हुआ है कि जो ऑलरेडी शेयर्स थे वो तो 100 मिलियन इक्विटी शेयर्स थे। उसके बाद कंपनी ने 1 for 5 शेयर्स का इशू किया, जो इशू हुआ वो 100 पर शेयर के हिसाब से हुआ और इशू से पहले जो शेयर की मार्केट वैल्यू थी वो 160 थी। तो इन इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए अर्निंग्स 55 मिलियन की क्वेश्चन में हमें गिवन है, जबकि नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। और जब हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ले रहे हैं तो राइट इशू का मतलब यह है कि हमें बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसके लिए थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, शेयर्स पर शेयर वैल्यू और टोटल वर्थ और बिफोर राइट इशू और टोटल यानी आफ्टर इशू की पोजीशन। तो सिचुएशन ये है कि पहले अगर 5 शेयर थे तो 1 शेयर की मार्केट वैल्यू 160 थी और टोटल वर्थ बनती थी 800। हर 5 शेयर के बदले राइट इशू में 1 शेयर और इशू होगा जिससे कंपनी के पास 100 रुपीज़ आएंगे और 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा वर्थ बढ़ जाएगी। इसकी पोजीशन ये बनेगी कि 5 और 1 1 मिलाकर हमारे पास टोटल शेयर हो जाएंगे 6 और 800 की वर्थ और 100 रुपीज़ जो शेयर इशू से आएंगे उससे टोटल वर्थ हो जाएगी हमारे पास 900। तो थ्रेटिकली 900 डिवाइड बाय 6 हमारे पास पर शेयर थ्रेटिकल एक्स राइट प्राइस आ जाती है कि राइट इशू के बाद शेयर की प्राइस 150 होनी चाहिए थ्रेटिकली। अब हमारा जो बोनस फ्रैक्शन का फार्मूला होता है दैट इज एक्चुअल कम राइट प्राइस डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। एक्चुअल कम राइट प्राइस होती है जो बिफोर इशू होती है और जो हमने कैलकुलेट किया वो है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो 160 डिवाइड बाय 150 ये हमारा बोनस फ्रैक्शन आ गया। जब बोनस फ्रैक्शन आ गया तो अब हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। जनवरी टू सेप्टेम्बर हमारे पास 100 मिलियन शेयर्स थे, ये 9 मंथ्स बनते हैं और इसके साथ बोनस फ्रैक्शन जो है वो अप्लाई होगी क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनको एट पार लाने के लिए हम बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 160 डिवाइड बाय 150 तो 80 मिलियन जो है शेयर्स हमारे पास बन जाते हैं फर्स्ट 9 मंथ के वेटेड की बेस पे। अक्टूबर से दिसंबर के लिए जो न्यू शेयर इशू हुए 1 for 5 हुए यानी 100 के अगेंस्ट 20 मिलियन शेयर इशू होंगे। अब टोटल हमारे 120 मिलियन शेयर हो जाएंगे और 3 मंथ्स ये आउटस्टैंडिंग रहे तो 30 मिलियन और टोटल हमारे पास 110 मिलियन शेयर्स बन गए। इसी को हम अपनी बेसिक ईपीएस की रेशो के अंदर मेंशन कर देंगे और हमारे पास बेसिक ईपीएस कैलकुलेट हो जाएगी दैट इज 0.50 पर शेयर। तो ₹0.50 पर शेयर हमारे पास आ गया या 50 पैसा पर शेयर आप इसको कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो 8 मार्क्स का जो हमारा पहला पार्ट था वो सॉल्व हो गया।
हमारा दूसरा पार्ट ये है कि शो बाय मींस ऑफ रेलिवेंट वर्किंग्स दैट 8% कन्वर्टेबल लोन्स आर डाइल्यूटिव. तो 8% कन्वर्टेबल लोन्स अमाउंटिंग टू ₹50 million विच विल मेच्योर इन 2020, दीज लोन्स मे बी रिडीम्ड एट पार और कन्वर्टेड इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 शेयर्स पर ₹50 ऑफ लोन और टैक्स का रेट 29 है. तो हमने इम्पैक्ट ऑफ कन्वर्टेबल लोन को देखना है और फिर एक हम इंक्रीमेंटल ईपीएस कैलकुलेट करेंगे जिससे पता चल जाएगा कि ये डाइल्यूटिव है या नहीं है. ये जस्ट 2 marks का पार्ट है. तो इंक्रीमेंटल ईपीएस कैलकुलेट करनी है हमने, उसके लिए हम एक इम्पैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग में. तो इंक्रीज इन अर्निंग कितना होगा, 50 मिलियन का लोन है, 8% इंटरेस्ट रेट है, 29% टैक्स रेट है. तो 29 माइनस कर दें 1 से यहाँ पे, यानी आप 1 माइनस 29% ले रहे हैं. अगर यहाँ पर आप 71% ले लेंगे कि जो टैक्स के बाद बचेगा, तो तब भी करेक्ट है. तो हमें 50 मिलियन पर 8% बनता है 4 मिलियन और उसमें से 29% टैक्स निकाल दें तो 2.84 मिलियन की सेविंग होगी अगर ये कन्वर्टेबल डेट कन्वर्ट हो चुके होते. दूसरा, इनका शेयर के ऊपर क्या इफेक्ट है. तो हर 50 के बदले 10 शेयर इशू होंगे तो 10 मिलियन शेयर इशू होंगे अगर ये कन्वर्टेबल डेट कन्वर्ट हो जाए. तो इसी दो इंफॉर्मेशन को हम इंक्रीमेंटल अर्निंग्स को और इंक्रीमेंटल शेयर्स को एक फार्मूला में, ईपीएस के फार्मूला में इनकॉर्पोरेट करेंगे और हमारे पास जवाब आता है 0.284 पर शेयर, जो कि प्रूफ है कि डाइल्यूटिव है. क्यों डाइल्यूटिव है, क्योंकि ये रेशो बेसिक से कम है. जब ये रेशो बेसिक से कम है तो इससे ये प्रूव होता है कि ये डाइल्यूटिव है. अगर ये बेसिक से ज्यादा होती तो फिर हम कहते हैं कि ये एंटी डाइल्यूटिव है. अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. हमारा नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमने डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है 7 marks के लिए, जबकि जब हम पहले दोनों पार्ट सॉल्व कर चुके हैं तो इसको कैलकुलेट करने में हमें कोई एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी. तो डाइल्यूटेड ईपीएस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें अर्निंग चाहिए 55 मिलियन एंड 2.84 मिलियन, यानी बेसिक और इंक्रीमेंटल दोनों. इसी तरह हमें शेयर लेने हैं बेसिक के 110 मिलियन और इंक्रीमेंटल के 10 मिलियन. इस बेसिस पर जब हम रेशो कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 0.482 पर शेयर, जो कि हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट हो गई. तो बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने के 8 marks, इंक्रीमेंटल ईपीएस कैलकुलेट करके डाइल्यूटिव प्रूफ करने के 2 marks और डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने के 7 marks. तो ये 70 marks का हमारा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया. इट डिडंट टेक मच टाइम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.